तुम्हारा ये हड़बड़ का नाटक ना मुझे नहीं चाहिए, नहीं मुझे सुनना ही नहीं है। ब्रेकअप। ऐसे गुस्से में कोई भी डिसीजन सही नहीं होता है। ओ हेलो, जानती हूँ मैं आपको, चुप बैठो। शायद मेरी लाइफ की स्टोरी सुन के आपको डिसीजन लेना इजी पड़ेगा। देखो मेरा दिमाग पहले से ही बहुत खराब है, अभी और खराब मत करो। ज्यादा नहीं, एक साल पुरानी बात है। सब कुछ सही चल रहा था, पर कहते हैं ना, ज्यादा खुशी इंसान सहन नहीं कर पाता है, इसलिए हमारे बीच आया वेदांत, मेरा एक्स। करण, ही इज माय एक्स, यू आर माय प्रेजेंट एंड वी जस्ट गुड फ्रेंड्स, कुछ नहीं है ऐसा। हाय जिसा, प्लीज लेट्स गेट बैक टुगेदर प्लीज। पर वेदांत, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वेदांत, नहीं होता है ऐसा। अच्छा ठीक है, कल मेरा बर्थडे है तो एटलीस्ट तुम्हारे जिंदगी का एक दिन मुझे मिल सकता है, राइट? मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। वाओ, थैंक गॉड आप उस दिन नहीं गए थे। चलो मैं अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ सब कुछ सॉर्ट कर लेती हूँ। हाँ बाय। कितना लेट हो गया। अच्छा बाबा सॉरी। उस दिन मैं लेट हो गई थी करण, क्यों मुझे हमेशा सब कुछ झूठी स्टोरी सुनाने को बोलते हो? ताकि कभी कोई और लेट ना हो। सॉरी प्लीज मुझे माफ कर दो। पागल है, अकेले पता नहीं रोज रोज किससे बात करती रहती है।